देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। जम्मू कश्मीर च नवे साल मौके माता वैष्णो देवी भवन दे विच भगदड़ मच गई। इस हादसे दे विच हुण तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मरण वालियां च दो महिलावां भी शामिल है। 20 तो ज़्यादा लोग जख्मी हुए ने। फिलहाल राहत अते बचाव कार्य जारी है। स्थानक प्रशासन दे वलों 12 तो 14 लोगों नूं बचाया गया है। भीड़ च धक्का मुक्की होने कारण भगदड़ मची। नवे साल मौके वड्डी गिणती च लोग कटड़ा दे माता वैष्णो देवी मंदिर च दर्शन दीदार दे लई पहुंचे सन। इस दौरान भीड़ च धक्का मुक्की होने कारण भगदड़ मच गई। माता वैष्णो देवी दे मंदिर च रात 2 बजे दे करीब भगदड़ मची। लोग सुरक्षा व्यवस्था ते सवाल चुक रहे ने। बुरा तो लग रहा है सर कि माता के दर्शन के लिए आए थे, नहीं कर पाए हम लोग। अब फिर दूसरा बार कब मौका मिलेगा आने का, नहीं मिला कोई तो पता है नहीं उसका। अब कोई वहाँ साधन भी नहीं है कि मतलब धर्मशाला वगैरह मकम्मल का वगैरह कोई साधन नहीं मिला। वहाँ कुछ नहीं मिला, नहीं कोई व्यवस्था। यात्रा पर्ची भी नहीं चेक हुई, वहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस समय भगदड़ मचे थे ना, उस जगह प्रशासन नहीं थे। बहुत बुरी कंडीशन है ऊपर, बहुत बुरी तरह से भगदड़ मचे थे। प्रशासन नहीं थे लाइन में लगाने के लिए। हम लोग वहाँ से हमारे सामने हुए, नए साल के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी। जबकि नई साल चढ़ा है तो उनको पता है भीड़ आती है बहुत ज्यादा, बट ऐसी कोई सुविधा हमें मिली नहीं। ऊपर लाठीचार्ज हुआ है यहाँ पे, जो मिलिट्री लगाई है इन्होंने सिक्योरिटी वास्ते, वो भी अच्छी तरह बोल नहीं रही लोगों से। वो भयानक हादसा हुआ, लाठीचार्ज बहुत हुई, पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जिस समय भगदड़ मचा था उनको पता था माँ वैष्णो पर नवे साल पर रश होना है, पर उन्होंने कोई की नहीं व्यवस्था। हम जलंधर से आया बहुत दूर से, तो यहाँ आके हमें बस एक परेशानी आई है। दर्शन नहीं कर पाए हम। लाठी चार्ज इतनी थी और इतने इतने बंदों की डेथ होगी और कैसे होगा फिर? प्रशासन की गलती है, पहले देखना चाहिए। हम इतनी दूर से हैं पर हमें दर्शन अब तक नहीं हुए। एम्बुलेंस नहीं थी कोई इनके पास। दुख तो है बट दुख किस बात का है कि टैक्स देते हैं, ना इनकी कोई एम्बुलेंस थी, ना इनकी कोई व्हीलचेयर थी, किसी बात की कोई प्रबंध नहीं था, जबकि होना चाहिए। ये तीर्थ स्थान बहुत ही बड़ा है, आपको भी पता होगा ना, कोई छोटा मोटा नहीं है, तो इसका होना चाहिए इंतजाम। हम 7 बंदे थे, हम तो पीछे से ही आ गए। हमें जब लाठीचार्ज हुआ तो नीचे आके हमें पता लगा ये, क्योंकि ऊपर एकदम से भगदड़ मच गई और बंद कर दिया गया सब कुछ। माता वैष्णो देवी मंदिर च जदों भगदड़ मची तो मौके पर मौजूद लोगों ने सारी स्थिति नूं बयान कीता है। वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो वहाँ पे एक तो भीड़ बहुत थी, तो आद कुआरी से ऊपर भवन तक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस साइड से भी 3 गाड़ियाँ छोड़ दी। तो भवन से जस्ट 200 मीटर पहले कंजस्टेड रास्ता है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ फंस गई और लोग भी थे, तो सारे लोग भी फंस गए। फिर वहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हुई, तो वहाँ पर साइड में वो लगे हुए हैं सपोर्ट के लिए, तो हम उनके ऊपर चढ़े, उस तरीके से हम बचे। तो फिर वहाँ से तो हम आगे निकल गए। फिर वहाँ पे क्या है, एक ढलान की जगह है लॉकर नंबर 2 और 3 के सामने, और छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे लाइन्स वगैरह भी लगी थी। तो वहाँ पे जब धक्का मुक्की स्टार्ट हुई, जो बीच के लोग थे तो उनके लिए, उनके पास तो कोई सपोर्ट था ही नहीं, तो सारे लोग उनके ऊपर। और फिर दूर से ही मैंने ये चीज़ देखी, लेकिन फिर उसके बाद जब स्ट्रेचर्स पे सबको लेके जा रहे थे, दर्शन हमने करने थे, लेकिन जब इतना कुछ देख लिया तो आगे जाने का फिर मन ही नहीं माना। फिर वहाँ से नहीं, ये बहुत ही, मतलब पहले भी मैं आया हूँ, लास्ट ईयर भी आया था 31st पे ही मैं, तो उस समय भी भीड़ थी, लेकिन जो इस बार भीड़ थी तो ये ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। हम ये बोल सकते हैं कि सारा कंट्रोल लोगों के हाथ में था, उनका जो मन कर रहा था, तो उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं था वहाँ पे। जैसे ही वैष्णो देवी में एंट्री हुई ना, एंट्री के बाद रोक दिया था, पता नहीं कौन सा कोई वो था, तो उसी बीच में ना वैष्णो देवी में ना इधर जाने दे रहे ना उधर, तो 14 जने तो एक्सपायरी हो गए, कईयों के कपड़े ज्यादा बहुत गंदे तरह एक्सपायर हुए, दर्शन कर पाए, और बीच में रोक दिया था जैसे ही एक्सपायर हुए। हाँ जी, सब चीज देखा, लाइव देखा, जैसे जैसे सिटी पुलिस वाले थे, जैसे ही लेके जा रहे थे तो इधर से भी रोक रहे थे, उधर से भी सबको रोक रहे थे, कईयों का तो दम ही घुट गया था, छोटे छोटे बच्चे भी थे। पंजाब और पंजाबियत की परछाई, अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।